किशोर कुमार किजन टेक कंप्यूटर पूर्णिया बिहार से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टास्क व्यू के बारे में। एक्चुअली हमारे विंडोज़ 10 में एक नया फीचर इन जो है आया है टास्क व्यू में करके। इसमें जो है आप प्रीवियस डे में क्या काम कर चुके हैं वो उसका हिस्ट्री को स्टोर करके रखता है। प्लस टास्क व्यू के माध्यम से जो है हम वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे क्रिएट करते हैं, मोर देन वन वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको इसमें दिखेगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे टास्क व्यू करके है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि प्रीवियस डे में जो फाइल मैंने ओपन किया हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए ये सारा फाइल मैंने प्रीवियस डे में ओपन किया हुआ है, जो मैंने प्रीवियस डे में काम किया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप 1, 2 और न्यू करके है, ठीक, ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप जो है कुछ टास्क मान लीजिए कर रहे हैं, जैसे मैंने ये एक गूगल क्रोम ओपन किया और दूसरा मैंने एज माइक्रोसॉफ्ट का वो ओपन किया। अब दोनों को मुझे अलग अलग दिखाने हैं, इसलिए आप टास्क व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप 1 और 2 है। तो मान लीजिए हम पहले को उठा करके एज में डाल देते हैं, ठीक है। पहले को उठा करके मैंने जो है डेस्कटॉप 2 में डाल दिया। अब जो ये बाकी जो मेरा बचा, 2 में जाने पर आपको एज दिखा रहा है, 1 में जाने पर आपको टैब दिखा रहा है। अब इससे अगर हम बाहर आ जाएं तो देखिए यहाँ पे हमको क्रोम जो है मेरा ओपन नहीं है, मुझे ओपन करना पड़ा और एज मेरा जो है ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। और फिर जब हम टास्क व्यू में जाएंगे और 1 में आएंगे तो यहाँ देखिए मेरा जो है ऑलरेडी ये ओपन है। मतलब आपके टास्क बार पर जो है ढेर सारा प्रोग्राम खुला हुआ दिखाई नहीं देगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो ये फीचर जो है एक तरह से कह लीजिए कि टास्क व्यू फीचर जो विंडोज़ 10 में दिया गया है वो हमारे माइंड को इजी वे में, कूल वे में रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अदरवाइज होता क्या है कि आपके सिस्टम पे ढेर सारा फाइल आप ओपन करके रखते हैं और काम करने में आपको उससे परेशानी भी आती है, तो इस तरह की परेशानी आपको टास्क व्यू के द्वारा नहीं आएगा क्योंकि वो मैनेज्ड रहेगा सारा। अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग फाइल रहेगा, आप अलग अलग डेस्कटॉप पे जाइए अपना काम कीजिए और फिर मिनिमाइज कर लीजिए। तो आज आपने देखा कि टास्क व्यू जो है क्या है और इसमें वर्चुअल डेस्कटॉप हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।